यहाँ पे खिल्ला सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक था जो यहाँ के महाराज थे राजा माधव सिंह जी, तो उनकी पत्नी रत्नावती उनको पसंद आ गई, तो उन्होंने एक इत्र जब दासी यहाँ मार्केट में तेल लेने आई तब वो सिद्धा सेवड़ा नामक है जो उसने कुछ तांत्रिक विद्या कर दिया उसने। जब वो तेल वहाँ पे रानी के पास में ले गई दासी चीजों, जब उस तेल को देखा तो उस तेल में कुछ हलचल चल रही थी, तो रानी को कुछ महसूस हुआ कि इसमें कुछ हुआ है, तो रानी ने दासी से पूछा भाई इसमें क्या है, किसी कोई मिला था आपको? तो रानी दासी ने सब बता दिया रानी को, तो रानी ने वो तेल था एक रॉक्स पे डाल दिया। अच्छा, पत्थर की शिला पे डाल दिया। पत्थर की शिला पे डाल दिया। जब वो तेल पत्थर की शिला पे डाला तो हवा में उड़ने लग गया, और जिधर वो तांत्रिक था उसके पीछे पीछे भगने लग गए। तो तांत्रिक ने कुछ ऐसी विद्या की थी कि जो भी ये तेल लगाएगा वो मेरे आगे चिपक जाएगा मेरे पास, तो पत्थर ही आसक्त हो गया। जी नमस्कार सर, मेरा नाम सूर्यवीर सिंह मीणा है और मैं पास के गांव अजवगढ़ से हूँ। मैं यहाँ पर गाइड हूँ लोकल लेवल, और अभी हम भानगढ़ के अंदर पहले गेट पे खड़े हैं, जो ये पहली बाउंड्री दिख रही है आपको, ये देखिए सामने, ये पहले किले के प्रोटेक्शन वॉल होती थी। और हम यहाँ से देखिए जो आप हम आसपास स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के घर हुआ करते थे जो पहले यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ की आबादी लगभग 12-13 हज़ार के समथिंग थे, और ये पूरा एरिया 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। अभी क्या है, आर्कियोलॉजी ने महल तक जाने वाले रास्ते को क्लियर करवाया है, तो जहाँ पर ये पेड़ पौधे उगे हुए हैं ना उसमें भी काफ़ी सारा स्ट्रक्चर दबा हुआ है मिट्टी के अंदर। अभी हम जौहरी मार्केट के जस्ट सामने खड़े हैं। हाँ। आपको ये जो सामने पार्टीशन दिख रहा है, बॉक्स जैसे दिख रहा है। हाँ। ये इस वाली जगह को पहले स्टोरेज की तरह यूज़ किया जाता था, और देखिए ये जो साइड में आपको दो हिस्सों में दुकानें दिख रही होंगी, दो हिस्सों में आपको दो दुकानें दिख रही होंगी बराबर के अंदर। तो जो एक दुकान तीन पार्ट के अंदर होती थी पहले, तो लास्ट वाला हिस्सा स्टोरेज की तरह, बीच वाला बैठने के लिए, और सामने वाला काउंटर के जैसे यूज़ किया जाता था। ठीक है। और पहले ये 2 मंजिल की होती थी, आगे आपको इसका पूरा स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। अच्छा, और इसका क्या सीन, वहाँ का क्या है? वो सर वो ज्वेलर्स के घर हुआ करते थे जो जौहरी यहाँ पर रहा करते थे। ये पूरे जो मार्केट है इसको जौहरी मार्केट के नाम से जाना जाता था पहले, अभी भी इसको जौहरी मार्केट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अभी क्या है उनके अवशेष ही बचे हैं मार्केट के। तो ये पहले 2 मंजिल की हुआ करती थी दुकानें, तो ऊपर वाले हिस्से में तो क्या है कि ये रहा करते थे और नीचे दुकानदारी किया करते थे। जैसे हमें की सीढ़ियाँ नजर आएगी, हर दुकान के अंदर सीढ़ियाँ दिखेंगी आपको, देखिए जैसे ये साइड में। तो ये राज्य था सर, ये एक छोटी रियासत थी। ये जो ये सर पूरी जगह जो आमेर के राजा भगवंत दास जी थे उन्होंने अपने बेटे माधव सिंह के लिए बसाई थी। माधव सिंह जी मुगल आर्मी के अंदर दीवान का कार्य किया करते थे, तो जैसे एक छोटी रियासत होती है ना वैसे एक छोटी रियासत थी ये। आइए सर ये जौहरियों के मकान देखते हैं। दुकानदारी और ये भी पूरा बाजार हुआ करता था, ये दुकानों के हिस्से हैं ये भी। देखिए सर जौहरियों के घर यहाँ से स्टार्ट है, और आप देखिए अभी 2 सही घर बचे हैं, बाकी तो क्या गिर चुके हैं। अच्छा, ये इतने बड़े होते थे? जी पहले ये 2 मंजिल के हुआ करते थे, और ये देखिए ये इनके पानी की व्यवस्था होती थी, पानी पीने के लिए यहाँ पर एक कुआ होता था, लेकिन अभी तो सूखा हुआ है ये। आइए सर अभी हम एक जौहरियों के घरों को देखते हैं अंदर से। ये पहले चूने पत्थर से बनाए जाते थे सर, काफ़ी ठंडे हैं। कौन से पत्थर से सर? चूने पत्थर से। चूने पत्थर से। तो देखिए सर यहाँ पर पहले एक छत हुआ करते थे जो कि अभी गिर चुकी है यहाँ से। अच्छा, ये देखिए छत का उसे दिख रहा है ना साइड में सर। हाँ हाँ वैसे। और इनके देखिए कमरे ऐसे हुआ करते थे ऊपर के, ऊपर जाके देख लीजिए। सीढ़ियाँ बहुत बड़ी हैं। ये देखिए पुराने जमाने के जो इन्होंने कलर कर रखा है नीचे घरों में। और ये इधर इनके कमरे भी काफ़ी छोटे होते थे। और देखिए इनके
दरवाजों की साइज भी काफी छोटी होती है उस टाइम पे। छोटे क्यों होते थे, हाइट की वजह से या कैसे? नहीं सर, इनका क्या, व्यापारी लोग जो ऊंचे दर्जे के होते थे ना, तो जो कोई भी लोग आए तो उनको सर झुका के नीचे आना पड़े, इस वजह से दरवाजे छोटे बनाए करते थे। अब महल के अंदर जो दरवाजे देखोगे ना, तो उनके दरवाजे काफी छोटे बने हुए हैं, ताकि राजा के सामने जो भी आए वो सर झुका के नीचे आए। ये भी बहुत बड़ा बना हुआ है। हाँ, टूट गई है ना सर, ये छत टूट गई है ज्यादातर सभी, काफी सारे स्ट्रक्चर दबे हुए हैं। आर्कियोलॉजी को इसको धीरे धीरे क्लियर करवाना है। हमने बरगद के पेड़ है ना, वहाँ तक है पूरा मार्केट, 7 मंजिल का होता था, अभी इसमें 3 ही मंजिल बची है, बाकी गिर चुकी है। अच्छा, ये महल जी, इनके क्या है, ऊपर छतें तो है नहीं, बस दीवारें हैं, जो कमरे थे इनकी दीवारें, जैसे इनके ऊपर छत नहीं है दुकानों के ऊपर। यहाँ के खाने के बारे में भी बता दो, कैसे उधर हुआ है। यहाँ के केवदंती काफ़ी फेमस है, कि जो राजा थे वो यहाँ पर शिकार करने के लिए आया करते थे, तो उनको ये जगह काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि देखिए चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है, तो सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ठीक थी। इस वजह से राजा यहाँ पर महल बनवाना चाहते थे, तो उस टाइम पे एक साधु रहा करते थे यहाँ पर। साधु ने राजा को मना किया था कि ये जगह ठीक नहीं है बसने के लिए, पर फिर भी राजा ने बात सुनी नहीं साधु की, और ये जगह बनवाई। तो राजा ने एक जादूगर को हायर किया था, जिसे काला जादू आता था, और जो ये वॉच टावर है ना, हाँ जी, उसमें उसको नौकरी दी थी, ताकि वो यहाँ पर नौकरी भी कर लेगा, मतलब निगरानी भी रख लेगा सामने की, और जो साधु ने कहा था कि ये जगह ठीक नहीं है, तो अच्छा वॉच टावर उसी का था जी, तो उसको भी अपने जादू से ठीक कर देगा। तो सर, जब रानी महल के छत पे टहला करते थे, तो जादूगर वहाँ से देखा करता था रानी को ऊपर से, तो जादूगर के मन ही मन में रानी को पाने की इच्छा होने लगी थी, कैसे भी करके मतलब रानी को पाना चाहता था अपने काले जादू से कैसे भी करके। तो एक बार क्या हुआ कि रानी अपने दासियों को यहाँ मार्केट में हेयर ऑयल लेने के लिए भेजती है, तो वो उनको रास्ते में मिलता है जादूगर, वो ऐसे ही मौके की तलाश में था कि किसी न किसी चीज़ में काला जादू किया जाए और रानी को अपने वश में किया जाए। तो वो उनको रास्ते में मिलता है और बोलता है कि मैं नहा के आया हूँ, मुझे थोड़ा ऑयल दे दो सर में लगाने के लिए। तो दासियाँ दे देती हैं, इतना कुछ पूछते नहीं है। जब वो उसको ऑयल देती हैं, तो उसके अंदर ऐसा कोई जादू कर देता है कि जो भी उस ऑयल को लगाएगा वो अट्रैक्ट होकर और उसके पास चला जाएगा, जादूगर के पास। तो जब दासियाँ वापस उस ऑयल को रानी के पास लेके जाती हैं, तो रानी उसको देख के समझ जाती है कि इसमें कुछ काला जादू किया गया है, क्योंकि वो ऐसे राउंड राउंड सा घूम रहा था। तो रानी बोलती है कि यहाँ पर लाने से पहले इसको किसने देखा था? तो दासियाँ कहती है कि हमारे जो वॉच टावर में जो जादूगर रहते हैं ना, उन्होंने देखा था। तो रानी बोलती है कि इसको महल के बाहर जाओ और किसी बड़े पत्थर के ऊपर जाके डाल दो। तो जैसे जैसे ऑयल को पत्थर के ऊपर डालते हैं ना, तो पत्थर हवा में उठते हैं और जादूगर के पास चला जाता है। तो पत्थर से जादूगर मरने वाला ही होता है, तो मरने से पहले वो श्राप देता है कि ये जो पूरी जगह है 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ की जो 70% आबादी थी ना, वो श्राप की वजह से इधर ख़त्म हो गई थी, बाकी जो 30% लोग थे वो यहाँ से जयपुर का जो आमेर है वहाँ पर जाके बस गए थे। तो यहाँ पर जो लोग ख़त्म हुए थे ना, उन लोगों की वजह से इस जगह को हॉन्टेड कहा जाता है, कि यहाँ पर आत्माएँ घूमती हैं, आवाज़ें आती हैं। ये एक किंवदंती काफ़ी फेमस है इस जगह के बारे में। स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहाँ पर, राजा के जो सलाहकार वगैरह होते थे, मंत्री वगैरह होते थे। देखिए कॉर्नर में जो घर बना हुआ है, ये इस बड़ी जगह के लिए बोला जाता है कि मंत्री का घर हुआ करता था, जो राजा का मंत्री होता था, जो राजा का मंत्री होता था वो उसका घर हुआ करता था। अच्छा, वहाँ कॉर्नर वाला, और जो ये सामने वाला दरवाजा है, त्रिपोलिया गेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो आपको मंदिर अंदर दिखाई दे रहा है, पहले इसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति हुआ करती थी, अभी खाली है ये, नागर शैली के अंदर बना हुआ है ये। और करण अर्जुन मूवी में इसी मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनको दिखाया जाता है, कि उनकी माँ सीढ़ियों पे खड़ी रहती है और वो करण अर्जुन भाग के और चरण स्पर्श करते हैं, वो सीन इसी मंदिर का है। और आपको साइड में एक घर दिखाई दे रहा होगा, इस मंदिर के पुजारी का घर हुआ करता था पहले। ठीक है, ये मंदिर नागर शैली के अंदर बना हुआ है, पहले इसमें राधा कृष्ण जी की मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन अभी खाली है, लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, इसमें देखने लायक है। देखिए फिर, ये हम अभी गोपनाथ मंदिर में खड़े हैं, और ये जो जगह है
हवन करने के लिए होती थी। तो ये देखिए जो ऊपर आपको ये मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये मंदिर में होने वाले जो प्रोग्राम होते थे, ढोल नगाड़े मजीरे उनको दर्शाती है। और आइए सामने, देखिए इसमें सामने पहले राधा कृष्ण जी की मूर्ति हुआ करती थी यहाँ पर अभी ये खाली है। ये देखिए आपको एक कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पर दिख जाएगी ऊपर, हाँ, और नीचे शिव जी और पार्वती जी की है लेकिन अभी खंडित हो चुकी है बिल्कुल। तो ये इधर देखिए गणेश जी की मूर्ति है साइड में, इसके ऊपर भी कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है। तो ये शिला किसके रखी है? ये तो ऐसे लोगों ने रखा था। मेन जो भानगढ़ का महल है वो यहाँ से शुरू होता है, ये दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं और यहाँ पर पूरे सैनिक खड़े रहते थे पूरी दीवार के ऊपर। हाँ हाँ, ये पहला दरवाज़ा है महल का और ऊपर सेकंड दरवाज़ा आएगा। ये भानगढ़ का स्थान है, नीचे नीचे पूजा हो रही है और नीचे जो आपको ये गन्ने के जैसे पत्ते दिख रहे हैं लंबे लंबे, ये केवड़े के पौधे उगे हुए हैं यहाँ से आगे तक। ये खंडित किसके हैं? महल के ही पार्ट, महल के अवशेष है जो ऊपर वाला हिस्सा था ना। हाँ जी, उसके अवशेष है। देखिए ये जो सामने आपको कमरा दिख रहा है, हाँ जी, और इसके बगल में एक और रूम है, हाँ जी, इन दोनों में तहखाने बने हुए हैं नीचे। आइए वो देखते हैं। तो क्या रखते थे उन तहखानों में? बरामदा बना हुआ है, इसके अंदर भी दो कमरे हैं। अच्छा, कमरों के अंदर भी तहखाने हैं लेकिन अंदर काफी अंधेरा है, इसलिए अंदर नहीं जा सकते हम। जी, ये देखिए उस जमाने का बाथ टब होता था राजा रानियों का, स्विमिंग पूल टाइप, और वो वहाँ पर इनके वॉशरूम हुआ करते थे सामने, और इधर के साइड इनका चेंजिंग रूम होता था। अच्छा, यहाँ पर राजा का बेडरूम होता था सामने। अभी तो देखिए पूरे सब कुछ टूट चुका है यहाँ पर। हाँ जी बताइए। तो देखिए महल का मंदिर होता था सामने, पूरी साइड में आप जो कमरे देख रहे हैं ये रानियों के कमरे होते थे, और हर रूम के बाहर देखिए आपको सीढ़ियाँ नजर आ रही होंगी, जैसे इस रूम के लिए ये वाली सीढ़ी, उस रूम के लिए वो वाली सीढ़ी। राजा ऊपर रहा करता था, तो राजा को जिस भी रानी के पास जाना होता वो अपनी पर्सनल सीढ़ी का यूज करके ऊपर जा सकता था। ठीक है, देखिए बारिश के पानी को निकालने के लिए होता था, तो जब बारिश होती थी तो पानी इसमें से बह के नीचे चला जाता था। अच्छा, ये जो नली होती थी इसमें से बह के और नीचे चला जाता था, फिर नीचे एक तालाब बना हुआ है महल के नीचे, उसमें स्टोर होता था। यह जिन बाबा के मंदिर वाला एरिया है, इसमें जिन बाबा का एक स्थान है, तो यहाँ के लोकल लोग जो पूजा वगैरह करने के लिए हर सैटरडे को आते हैं।